वो तलाक कर रहे हैं, ऐसा भूत है। तो हमारा भूत तो हमारे पास है राम जी के दूत। सन्यासी बाबा की कृपा होगा। सन्यासी बाबा आ रहे थे तो सब लोग बोला था मालना का कि जा रही है बेटा तो चलिए गया, माँ भी चल जाएगी, मेरा लड़का बड़ा रो रहा है। गुरु जी तुमने करोड़ों की बनाई है, एक बार इस माँ की भी सुन लो, बेचारी बहुत रो रही है। देखो सबसे ज्यादा भाई तो बुलाया गया, मेरा बाबी भी बुलाने जा रही है, बहुत लड़का। भैया आप लोगों से भी निवेदन है, ये लड़का 15 साल का है, अगर आप लोगों को मिले कहीं भी तो आप सूचना कर सकते हो हमारे माई पाई जो लोग चैनल के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नाम ओपन नहीं करेंगे अगर मुसीबत में भी है तो। भैया फोटो दे सकते हैं, ये 15 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है भाई, थोड़ा कमजोरी है, पढ़ा लिखा नहीं है लड़का। भैया देखो गुरु जी दो दिन और पूरी तरीके से मेरे पास सिखा देगा गुरु जी, इसको भी इसको भी इसको डाल देगा, इसलिए हम डर से नहीं बोल रहे थे भैया। भैया देखो जो मैंने बात बता दी, मिलाने का थोड़ा कोशिश करिए इनको, भैया सबके सामने थोड़े ना बोलूं, बता दो उनको जो कहना है। भैया मैंने आपको बता दिया, दो दिन आप बहुत कुछ कर लोगे, जो मैंने बता दिया कान में जाओ, आप विश्वास रख कर बाकी आप भी सुनेंगे, आप जाओ। देखो मैं बताऊँ खुल के बोलूँ, भैया आप लोगों भी सुन लेना, गुरुजी अब गुरुजी तो हैं ही मगर वो भगवान बन गए, अब क्या बन गए, अभी एक भैया कह रहे थे हमें तो भैया गुरुजी हनुमान जी दिखते हैं, वो कौन कह रहे थे भैया, वो चले गए, गुरुजी हनुमान जी दिखते हैं जी, तो भगवान अब एकदम से इतने आसान से निशन मिलते हैं, थोड़ा धक्का मुक्की भी हो गए या कोई कुछ बोले तो सुन लेना माता जी, मगर आप जो मैंने कह दिया आप जाइए जाइए माता जी। मित्रों बोलो बागेश्वर धाम के सनातन धर्म के हिंदू राष्ट्र के। भैया थोड़ा भावुक सा हो गया हूँ, मेरे को अजीब सा लग रहा है, बागेश्वर धाम सरकार ने गुरुजी ने कहा था जो लोग आज आए तो कल मत आना, भीड़ के ज्यादा कारण, मगर लोग कहना ना मानेंगे क्योंकि गुरुजी जितनी बार देखे कमी कम है, गुरुजी जितनी बार देखे कमी कम ही कम है, जितने देखे उतनी कमी कम है, कमी कम है, मगर जो लोग जा रहे हैं उनसे कहेंगे एक बार लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना नाम हरि का थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम प्रेम प्रेम हर कोई कहे प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम हर कोई कहे प्रेम न जाने कोई। हम नियम के अनुसार रहते हैं भैया, बस मेरा बच्चा कहाँ है, सुरक्षित हो गया बालाजी बाबा की दुआ से, माता रानी की दुआ से नहीं भूलना चाहते और आ जाए घर की, दुश्मन के मुंह में गाड़ी पता दे बाबा, सबके घर में यही होता है, बहुत परेशान हम लोग को, क्या करें कहाँ जाए, लड़का नहीं है, लड़का रहता तो डंडा से मार के उसको भगा देता, मेरे तो लड़का नहीं है तो दब के रहना पड़ता है, क्या करें, सबके घर में एक न एक नुकसान लगा हुआ है।
बच्चा बहुत सुंदर है देखने में, भुलाने का 12 दिन का बाद का फोटो है, गणेश जी नाम है। इतना दिन भुला हुआ भैया, ये लड़का खो गया माता जी का। कितनी उम्र है माता जी? 15 साल। ये लड़का देखने में बहुत सुंदर है भैया, भुलाने का 12 दिन का बाद का फोटो है। कोई जी डाउन दीजिए ना, आप न्यूज पर डाउन दीजिए। भैया ये लड़का मिला है भैया किसी को, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे और मैं इनको रिप्लाई दे दूंगा। घर से बुलाया, कोई दुश्मन है? तो ये लड़का है भैया, ये लड़का मिले 3 महीना। भैया आप अपना नंबर लिख के दे दो एक बार हमें, अगर जैसे हमारे पास कमेंट आ गया। मोबाइल खराब हो गया भैया, कल ले नंबर तो नहीं आई, सब हम पहले से नंबर डाले हैं। इनका नंबर ले लीजिए, आप फोन कर दीजिए जी भैया, इस पर लिखवा लीजिए, इस पर लिख दीजिए आप। नहीं तो फोटो लेंगे ना। देखो नंबर के गुरुजी की तरफ से परमिशन नहीं हमें। हाँ हम कॉल कर देंगे अगर हमारे पास जैसे मैसेज आ गया, हमने ये लड़का देखा। एक बार और दिखा दूँ, आप हमें अपना नंबर दे दीजिए ठीक है भैया। एक बार फोटो दिखाओ। भैया लड़का खो गया है इनका, तो बच्चा 15 साल का है और अच्छा खासा गोरा काला लड़का है और नेत्र थोड़े गंभीर से हैं। किसको लड़का मिलेंगे और यहाँ भी होगा कहीं भी, आप बस चुपके से सूचना दे दे, कमेंट बॉक्स में हमें बता दे। आपका नाम नहीं खोलेंगे और बता दे हमें भाई, आपका नाम नहीं खोलेंगे और मैया तलक हम ये बच्चा पहुँच जाए ये कहेंगे। मैया इसकी फोटो कॉपी हमें दे दें या आप धाम पे ले हमें ले लीजिए भैया, हमें बस तो बहुत अंतर ट्रेन में कहाँ कहाँ हम लोग बहुत खोल धाम में लेके बड़ा बड़ा पेपर पड़ा भी तो एक बैग बाबा जी के पास चले ले लीजिए बाबा। चलिए मैया मैं भैया ये फोटो मैंने अर्जी तो लगाई नहीं अब तक किसी की अपने हाथों से, मगर मैया तुम आप खुद ही ले आना धाम पे। हाँ लाएंगे भैया, ये फोटो भी ले आना भैया। हाँ फोटो दे तुम्हें। नहीं नहीं राम का फोटो लिया, कोई बोल के गुनाह नहीं रखे भैया आप उसे बोल। नहीं नहीं माता जी आपने अच्छा करा, देखो मैं चाहता हूँ आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ो, तब पता चलेगा मैं भी गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सत्य सनातन धर्म को जगाने का काम करता हूँ। आप लोगों का सबका सहयोग करता हूँ जितना हो पाता है। मैया मैं भी आपकी तरह हूँ। ऐसा गुस्सा नहीं होता है, देखो आज वो दूसरी बात है मिलने न दे, क्योंकि सिक्योरिटी होती है। मैया रो मत, आप सुनो पहले मेरे बात को, सिक्योरिटी होती है मिलने न देते हैं, गुरु जी कभी नाराज नहीं होते हैं। बता दिया मेरा लड़का बुलाया, ऐसे बोल दिया गुरु जी को नहीं बोले हैं इसीलिए। अच्छा अच्छा आए भैया। मैं एक काम करो, आप सुबह चले जाओ पटना, यहाँ गुरु जी ठहरो ठीक है। उधर जाके आपके पास मोबाइल होना चाहिए पहले माता जी। मोबाइल है लेकिन लड़का पानी भगी सब ढका दे दिया कल भैया, मेरा भी तबीयत खराब हो जाता। अब बताओ भैया अगर मैं इनको भेज दूँ आप कैसे भेज? देखो मित्रों मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, सभी की मदद करता हूँ और मैया के अब क्या कहें। मैया एक मोबाइल ले लो बटन वाला, लो मैया सेकंड हैंड मोबाइल ले लेना, कोशिश करो तो 200-300 रुपये का मिल जाता है मोबाइल वाला। भैया मोबाइल ठीक हो जाएगा कहीं भैया है तो मैया मोबाइल ले लेना, तो आप हमें नंबर दे दो, हमें यहाँ पे 2-3 दिन है जब तक नंबर बंद ना हो तो पैसे मोबाइल के लिए बहन मैं पैसे दे सकता हूँ, इतना जुगाड़ कर सकता हूँ। नहीं होगा ना भैया, तो हम पहले आपसे बोलेंगे कि भैया हमको मोबाइल दे दीजिए, करवा दीजिए मोबाइल कटवा दीजिए, भैया मेरा तो हम ही करेंगे आपको लेके, हम अभी जाएंगे बाबा, जब तुम चल जाएगा तभी हम जाएंगे। धारे 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 मैंने तस्वीर भी खा लेते हैं, नहीं भी खा लेते हैं, हो सके तो एक बार बाबा से भेंट कर घर ले गए थे कुछ करती भैया। मित्रों भैया एक मिनट रुकिए, भैया भैया जैसे मेरे बागेश्वर धाम सरकार पटना बिहार वालों की वीडियो डाली थी, वो लोगों ने आप लोगों ने सही देखी वीडियो और उस वीडियो के माध्यम से बहुत प्रभाव पड़ा था, गुरुजी तलक भी पहुंची थी, गुरुजी के शिष्य मंडलों ने भी देखी थी कि पटना बिहार में गुरुजी का आगमन होना चाहिए, बिहार में कभी होना चाहिए। तो मैं ये भी वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसको काट कर यहाँ डाल देना अपने अपने चैनल पर, मैं कॉपीराइट नहीं दूंगा। ये जो मैया हैं मैं जितनी हेल्प करने की सोच रहा हूँ, इनका लड़का गुमशुदा हो गया है और इनकी मैया का मत हेल्प हो जाए ये फोटो के। और भैया देखो बच्चा सीधा साधा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, सीधा साधा है बच्चा, और इनको बच्चा कहीं भी मिला तो भैया आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मैया बहुत मजबूर है और मैं मैया से कहूँगा, गुरुदेव से भी, बागेश्वर धाम सरकार अगर आप में आप बाकी में सबके भगवान हो, भगवान हो बाकी में आप गुरुजी हो, तो इस मैया को भी बुला लो एक बार और इनके बेटे से मिला दो, इनको कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, इनको कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु हे गुरुदेव मैं ये कहूँगा आप लोगों को, मुझे ना दे मैं कुछ भी, और ये जो लोग खड़े हैं इतने लोग इनको कुछ ना दे मैं, मैया का एक ही बेटा दिखाया है। मैया मेरा 4 लड़का 3 लड़की है लेकिन सब छीन गए।
सब चिन गया गुरुदेव आपको भैया वीडियो लिया इस हवाले से फेसबुक पर और यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर डालेंगे सही से लेते हैं पूरे भैया हट जाना भैया एक बार मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा